हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम ठीक हूँ। हैं लौकी का कोफ्ता, वो दिखलाएंगे। और कोफ्ता कोफ्ता बनेगा बेसन का सामान, तो हो सकता है पकौड़ी भी बन जाए। अगर बनेगी तो वो भी दिखला देंगे आप लोगों को, आप लोग के साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। और देखिएगा आप लोग, आप फुल सपोर्ट कीजिएगा मेरा। यहाँ पे प्याज हम कद्दूकस कर लिए हैं, लहसुन प्याज मिर्चा अदरक और टमाटर को भी कद्दूकस करके रख लिए हैं। यहाँ मसाला तैयार कर लेते हैं सब्जी के लिए। आधा चम्मच लिए हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 पैकेट पूरा हम ले लेंगे मीट मसाला। आप लोग गरम मसाला यूज़ करते तो अपने अकॉर्डिंग गरम मसाला ले लीजिएगा। मैं मीट मसाला यूज़ करती हूँ। और इसको पानी डाल के इसको रख देंगे फूलने के लिए, ताकि हमारा मसाला अच्छे से फूल जाए। और मिक्सर में पीसे होते तो साथ में पीस देते, लेकिन हमने कद्दूकस करके बना रहे ताकि ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी रहे। और क्या बन रहा है वो आप देखते रहिए। और ये है लौकी, लौकी को मैंने कद्दूकस कर दिया है। इसका पानी निचोड़ ले रहे हैं, और पानी अच्छे से निकालने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे बेसन। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, लौकी का कोफ्ते। और इसमें हमने डाल दिया बेसन, जितना ज़रूरत रहेगा उतना अच्छे से बॉन्डिंग हो सके इतना आपको डालना है इसमें बेसन। और बेसन में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मसाला, ताकि जब हम कोफ्ते को खाएं तो उसमें भी हमें टेस्ट आए। डाल किए, और इसको अभी मिलाएंगे नहीं, जब हमको फ्राई करना होगा तभी हम इसको मिलाएंगे, क्योंकि नमक भी डाल दिए हैं, नहीं तो गीला हो जाएगा वो। और भाई छनन मनन हो रहा है तो पकौड़ी तो बनना बनता है भाई। मेरा बेटा बोला कि मम्मी पकौड़ी बना दो आलू की, उसको आलू की पकौड़ी पसंद है, और बिना मिर्चा की पकौड़ी बन रही है क्योंकि उसको हुआ है निनावा। तो इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा धनिया पाउडर, मीट मसाला और हल्दी डाल दिया था, मिर्चा एकदम मैंने नहीं डाला था। और नमक डाल देंगे, अजवाइन वगैरह था नहीं तो वो सब मैंने डाला नहीं। अब इसको अच्छे से हम फेटेंगे, ताकि जब हम पकौड़ी बनाएं तो हमारी जो पकौड़ियाँ फूली फूली बने। और इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं डालेंगे, सोडा वोडा कुछ नहीं। और इसको गाढ़ी गाढ़ी फेंकनी है, ना गाढ़ा रहे और ना पतला रहे, ऐसा रहे कि चम्मच कोटिंग कर ले। ये देखिए आप, ये हमारा एकदम फटा गया है अच्छे से गाढ़ापन पे, ये दिख रहे ना, चम्मच को ये कोटिंग कर ले रहा है, ऐसा करना है ताकि हमारी वो भी हो जाए। आइए, मेरी बेटी ने चटनी बना ली, क्योंकि जब मिर्चा नहीं पड़ा है पकौड़ी में तो भाई खाने के लिए तीखा तीखा तो चाहिए ही, तो उसने एकदम तीखी वाली चटनी ही बना ली थी अपने लिए। आइए, मैं चेक कर रही थी तेल गर्म हुआ है कि नहीं, और तेल हो गया है गर्म। उसमें डाल लेते हैं सारी पकौड़ियाँ। अच्छी लगती है ना पकौड़ी, लेकिन मेरे यहाँ ऐसे नहीं बनती। हम मेरे यहाँ एकदम पतली पतली महीन महीन काट के तब बनती है। मेरे बेटे को यही वाली अच्छी लगती है पकौड़ी, एकदम क्रंची क्रंची बनी थी, अच्छी बनी थी। और आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए एकदम गर्मा गर्म पकौड़ी। अब इसी में हम कोफ्ते भी छान लेते हैं, ये 4-5 और रह गया तो उसको भी निकाल लेंगे, फिर इसी में हम अपने कोफ्ते भी बना लेंगे। और इसको मिक्स कर ले रहे हैं क्योंकि अब हमको उसको भी डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जितना अच्छे से मिक्स होगा उतना सॉफ्ट बनेगा कोफ्ता आपका। और गोल गोल बनाइए, चिपटा बनाइए, जैसा आप चाहे वैसा बना सकते हैं। और ये है मेरी पकौड़ी, बच्चे लोग खा चुके हैं तो मैं अपनी पकौड़ी दिखा रही हूँ आप लोगों को, आइए खाइए। और ये हमारे कोफ्ते भी छन के खाली हो गए, और रिफाइन अधिकता तो मैंने निकाल दिया, क्योंकि सब्जी जो है सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल। और आप लोग तो जानते हैं भाई, आप तो मेरी फैमिली हैं, आप लोग को पता है मैं ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती, ना ज़्यादा मसाले यूज़ करती हूँ। और तेल में मैंने डाला तेज़पत्ता, उसमें डाल देंगे प्याज, अदरक और मिर्चा मैंने बहुत कम डाला है, बल्कि मैंने शायद बाद में काट के डाला है मिर्चा, मैंने पीसा नहीं था, नहीं तो मेरा बेटा नहीं खा पाता। और इसमें जो हमने मसाले भी के रखे थे वो डाल दिए हैं। अब इसको हमें अच्छे से भूनना है। और ये देखिए हमारे मसाले यहाँ रेडी भी हो गया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ टमाटर। टमाटर से कोई इसका फ्लेवर आना नहीं है, टमाटर से सिर्फ हमारा जो ग्रेवी है वो गाढ़ा हो जाता है। और अच्छे से हमको भुजाई करना है ताकि टमाटर का कच्चापन ना आए। और इसमें हमने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी थी कलर के लिए,
उससे कोई तीखा वीखा तो होता नहीं है, सिर्फ कलर आता है। और ये मेरे कोफ्ते हैं फूले फूले से, और इसको हमें भूजेंगे ताकि एकदम घी पर तेल छोड़ दे और कढ़ाई छोड़ दोनों चीज़ को, क्योंकि टमाटर का कच्चा पन्ना है इसलिए। और इसके बाद फिर अपने अनुसार आप ग्रेवी लगा लीजिए, जैसी आपको खाना है, ज़्यादा ग्रेवी वाली कम ग्रेवी वाली। ग्रेवी है और जब ग्रेवी में एक उबाल आएगा तब हम इसमें डालेंगे अपने कोफ्ते, अभी नहीं डालेंगे नहीं तो गल जाएगा उसमें पकते पकते। और ये देखिए मेरी ग्रेवी में उबाल आया है, उबाल क्या आया मैंने बल्कि 5 मिनट पका लिया था, उसके बाद मैंने इसमें कोफ्ते डाले हैं। और कोफ्ते डालने के बाद 5 मिनट में और पकाऊंगी ताकि जो मसाले वगैरह है, नमक वगैरह है, कोफ्ते के अंदर जा सके, सोख सके कोफ्ता भी, कोफ्ता में भी टेस्ट आए, कोफ्ता भी सॉफ्ट हो जाए और पके। और यहाँ हमारी सब्जी एकदम रेडी हो गई है, देखिए कितनी मस्त लग रही है ना, एकदम मेरी लौकी के कोफ्ते। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो भी न्यू होगा प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।